आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ देखो, भाग के एक प्रश्न में भाज्य 37,693 है, भागफल 52 है तथा शेषफल 52 और 104 के बीच में पड़ने वाला एक नंबर है, तो आपने भाग किससे लगाया है ये पता करना है। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर जो है वो है 723। लेकिन अभी ये 723 कैसे आया, इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में, आपको एक एक सवाल जो है वो मैं क्लियर कराता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलो तो टॉपिक शुरू करते हैं यहां से। देखो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, तो जो बाहर की तरफ रहता है इसे अपन बोलते हैं क्या, भाजक, जिसका भाग लगाते हैं, और जो अंदर रहता है वो होता है भाज्य, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में सब वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो भाग के बाद जो आंसर आता है वो होता है क्या, भागफल, ठीक है, भाग लगाने का फल मिल गया आपको। और लास्ट में रहता है वो क्या कहलाता है, शेषफल। क्लियर दोस्तों। अब देखो यहां से मैं भाग लगा रहा हूं, जैसे दो का भाग मैंने सात में लगाया, दो का भाग सात में लगाया, आंसर कितना आया, तीन, यहां हो गया छह, तो सात में से छह गया, आंसर कितना आया दोस्तों, एक। तो यहां पर भाजक हो गया दो, यहां पर भागफल हो गया तीन, भाज्य हो गया सात, और शेषफल कितना है, एक। अब आता है कि यहां से चेक करना होगा हमने जो भाग लगाया है वो सही लगाया कि नहीं लगाया, तो उसके लिए ये है कि जो सेंटर में नंबर आपने लिखा है कितना, सात, अगर ये सात आप वापस लेके आ जाओ तो आपका आंसर चेक हो जाएगा। तो कैसे करते हैं इसके लिए अपन, तो इसके लिए सात चेक करना हो तो कैसे चेक किया जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले इस दो का गुणा इस तीन से करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, गुणा मल्टीप्लाई, और इसके साथ इसको क्या करते हैं अपन, प्लस जोड़, ठीक है, जो यहां नंबर है इसका इसके साथ गुणा कर दिया और उसके साथ इसको प्लस कर दिया, इससे वापस सात आ गया, तो इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। तो दो को गुणा करते हैं तीन से और इसके साथ किसको जोड़ते हैं, एक को, दो इंटू तीन कितना हो गया छह, और छह प्लस एक कितना आ गया सात, आ गया वापस सात, इसका मतलब भाज्य बीच वाला जो नंबर है वो इसका इस रिश्ते से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी को अपन फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे कि भाज्य सेंटर वाला नंबर कभी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो सेंटर वाला नंबर निकालने के लिए फर्स्ट और थर्ड का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब भाजक और भागफल का अपन करेंगे गुणा, ठीक है, भाजक और भागफल का करेंगे गुणा, और उसके बाद इसके अंदर अपन शेषफल को क्या करेंगे, प्लस, तो इसके साथ शेषफल कर दिया प्लस, ठीक है। तो ये होता है भाज्य का फॉर्मूला, कि इन चार में से कोई भी अगर आपको तीन पता हो तो चौथा आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, तो ये है भाज्य का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको बेसिक, जो आप सबको पहले से पता ही है। अब शुरू करते हैं एक एक सवाल, कि सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहला सवाल देखो, भाग की एक संक्रिया में, एक प्रोसेस में भाजक जो है वो भागफल का पांच गुना है। ऐसे सवाल जब भी आए कि भाजक भागफल का इतना गुना है ऐसे है, उसके लिए कुछ बेसिक चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए, और उससे पहले इस सवाल को सॉल्व करो तो लिखोगे कैसे, सबसे पहले तो लिखने का तरीका हमेशा जानना दोस्तों, ये जो भाग लगाते हो आप लिखने का तरीका हमेशा ऐसे रखो, मतलब जब भी ये सवाल आए उसको हमेशा इस पैटर्न में लिखा करो। अब जो जो जिसका गुणा है उसको अपन लिखते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, भाजक, भाजक कौन सा, बाहर वाला, भागफल कौन सा, ये अंदर वाला, तो यहां से भाजक जो है वो भागफल का पांच गुना है, और ये हो गया यहां से पांच गुना, ये पांच गुना, ठीक है, ध्यान ना, ये एरो, अच्छा ये एरो जो मैं बना रहा हूं इस एरो का मतलब है कि ये वाली संख्या इधर जो आएगी वो उधर वाले के पांच गुना है, ठीक है। तथा शेषफल का दो गुना है, अब तथा शेषफल का दो गुना लिखा हुआ है, ये शेषफल का दो गुना किसका हुआ फिर, तो कभी भी किसी लाइन को जोड़ने के लिए कंजक्शन तथा और बल्कि लेकिन परंतु ऐसे कोई शब्द आए तो वो हमेशा किसकी बात करते हैं, फर्स्ट में जो नाम आया उसकी, यहां पर एक नाम आया भाजक, दूसरा नाम क्या आया, भागफल, तो इसका मतलब ये बात किसकी कर रहा है, भाजक की। तो शेषफल का जो दो गुना है वो शेषफल का दो गुना कौन हुआ, भाजक हुआ, मतलब इधर का नंबर, तो शेषफल जो भी होगा उसका दो गुना यहां पर होगा। अब वहां लिखा है कि शेषफल यदि 40 हो तो ये शेषफल 40 हो, ये लिख दिया, ठीक है। बस पैटर्न हमेशा यह रखना, बहुत आसानी से आपका सवाल हो जाएगा, 40 इंटू दो, तो 40 का दो से गुणा करें तो यहां का नंबर मिल जाएगा, तो 40 का दो से गुणा किया कितना आया आंसर, 80। अब आते हैं कि आपको ये जो नंबर है इसका पांच गुना करने से यह आंसर आता है, लेकिन अपन को तो आंसर पहले से मिल गया,
इसका मतलब अपन को तो यहां का नंबर लाना है कि ये कितना था। तो गणित में क्या होता है, यहां से एक चीज समझना, मैथ्स में कभी भी नंबर जो होता है वो कैसे चलते हैं समझना। यहां पर अगर संख्या है दो, दो का अगर आप गुणा करते हो तीन से, तो दो का तीन का, दो का तीन से गुणा करने से आंसर कितना आ गया, छह। क्लियर, दो का तीन से गुणा किया छह आ गया। लेकिन अगर कभी आपको यू समझो कि इधर का आंसर नहीं पता है और इधर का पहले पता है, कि आपको यह पता है कि छह आंसर लाना है, तीन का गुणा करके लाना है, तो बताओ उधर का नंबर क्या है। तो अगर छोटी छोटी संख्या हुई तो आपको आंसर पता चल जाएगा, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी हुई तो, या फिर कभी याद नहीं आया तो क्या करोगे, तो गणित ये कहती है कि जब भाई साहब आप इधर से इधर आओगे, तो इधर से इधर आने पर अगर गुणा हो रहा है तो इधर से उधर चले जाओ। अगर आपका आंसर उधर का निकालना है तो इधर से उधर चले जाओ, नंबर वो का वो ही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएंगे। उधर से इधर आने पर अगर गुणा हुआ है तो इधर से उधर जाने पर भाग लगा देंगे, मतलब छह में तीन का भाग लगा दो। तो छह में तीन का भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, दो। ठीक है, तो कभी भी अगर इधर से इधर आना हो तो सीधा रास्ता है, लेकिन अगर आपको उधर का आंसर ही नहीं पता है तो रिवर्स कर दो, और रिवर्स में हमेशा मैथ्स में भाग वाला गुणा में बदल जाता है और गुणा वाला भाग में बदल जाता है। आ जाओ अपने सवाल पे, क्या लिखा हुआ है कि यहां कोई नंबर है जिसका पांच गुणा करोगे तो आप यहां पहुंचोगे, लेकिन हमें इधर का नंबर पता है, उधर का निकालना है, तो दोस्तों क्या करो, इधर से इधर चले जाओ। और जब इधर से इधर जाओगे तो अब आंसर निकालना है, तो जो पहले पांच का गुणा था वो पांच का गुणा नहीं होकर पांच का भाग लगा दो, आपको यहां का नंबर मिल जाएगा। तो 80 में पांच का भाग लगाओ कितना आएगा दोस्तों, 16। क्लियर, पहला सवाल ही ऐसा आ गया है जिससे आप बिल्कुल ही समझ जाओ कि मैथ्स में कैसे इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं। तो ध्यान रखें, इधर से इधर पता था, इधर से इधर निकालना था, 16 आ गया। अब वो पूछ रहा है तो बताओ फिर ये बीच वाला नंबर कितना है, और बीच वाला नंबर निकालने के लिए अभी जस्ट आगे मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो भी बाहर बाहर के नंबर है, यहां पर कितना है 80, यहां कितना है 16 और यहां कितना है 40, अगर बाहर के तीनों नंबर 1, 2, 3, बाहर के अगर तीनों नंबर पता है तो अंदर का नंबर आराम से आ जाएगा। कैसे आता है ये आपको पता ही है कि फर्स्ट का थर्ड, इससे फर्स्ट का ये वाला जो थर्ड नंबर, थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए बोल रहा हूं फर्स्ट का थर्ड, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो और इसके साथ इसको प्लस कर लो, आ जाएगा आंसर आराम से। तो यहां से सबसे पहले कितना है 80, 80 को किससे गुणा करना है 16 से, और उसके साथ 40 को क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब 16 का 8 से गुणा करो तो 16 8 कितना आता है 128, ये हो गया 1280, और उसके साथ प्लस करो, प्लस किसको करो 40 को, तो 1280 इसका आंसर आ गया, उसके साथ 40 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1320। कितना आंसर आया दोस्तों 1320, दिख रहा 1320, ये वाला 1320। क्लियर हुआ।